आपस में खिलाड़ी दूसरे से मिलते हुए काफी मनोरम दृश्य एक कड़े मुकाबले से पहले आपसी प्रेम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आता है, आंखों को सुकून देता है। ऐसे क्षण जब खेल की महफिल में ऐसे कुछ दृश्य आते हैं हम सबों के सामने, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए बहुत ही खूबसूरत रिम्स स्टेडियम में आज यह खिताबी मुकाबला खेला जाना है अयाज बीटीआर बनाम जीएफसी गाड़ी भटवार के बीच। मनाते हैं अब मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है मेरा ब्लॉग। रिम्स स्टेडियम में काफ़ी जनसंख्या में लोग फाइनल मैच देखने पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं स्टेडियम के बारे में काफ़ी भीड़ है। आज T20 वर्ल्ड कप का भारत और पाकिस्तान का मैच है। खुश बर्थडे पर श्रद्धांजलि दे आज के हमारे सभी अतिथियों, आप सभी अतिथियों का बहुत संपर्क करें। और फरीद खान के विषय के साथ ही किक ऑफ खिताबी मुकाबला आज का ये प्रारंभ हो चुका है। उड़ाएगा भाई तुम लोग, उड़ाए ना भाई। रांची में अच्छा नाम होता और यहाँ पर रास्ता भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वहाँ थोड़े लड़का है पोजिशन के पास सुंदर पास नंबर 10 से वापस रोहित के लिए खतरनाक हो सकता है यहाँ पर। अच्छी बिल्डिंग जीएससी का जवाब था और बच सकता था, लेकिन पहले तो नीचे से खेल निकाल के अनुभव की खरीदार सोना भाई चल कर दिया गया। ये पास जैसे नंबर 25 के लिए रोहित खेल तक नहीं पहुँच पाए और बनता हुआ जीएससी गाड़ी में
ग्रहण के बाद ईशा परिवार का राहुल खोया के लिए राहुल खोया गजब की टीम ने खेला परफेक्ट पोजीशन पर अच्छा बचाव किया पोजीशन अभी भी अलास के पास आशीष जैसी गाड़ी में बार किसी गाड़ी जैसी नंबर उन्नीस में अच्छा हाथ दिया चाहते थे जैसी नंबर अठारह को अच्छा दिशा परिवर्तन करना चाहते थे वहाँ लेकिन गलत पास कर बैठे लेकिन झपट कर लेगा जर्सी नंबर की अभी दूर से ऐसे आ जवाब प्रयास कर बहुत ही अच्छा बचा रहा गोल की बात कर लगा निश्चित गोल को बचाते हुए यहाँ गलत पास कर बैठे सोमरा खतरनाक हो सकता है गेम तो पूरा मेहनत कर रहा है अच्छा खेल रहा है कि फिर से मौका बनता हुआ बॉक्स को बिल्कुल नजदीक राहुल भैया को रिसीव कर नहीं पाई गई जीएफसी के डिफेंडर के पास थे अच्छा पास मारन के लिए बोल बनाकर मारना चाहते थे गेंद करेक्ट नहीं कर पाए गेंद सीधे राहुल कोया क्रॉस करना चाहते हैं क्रॉस कर लेकिन डिफेंडर मौजूद थे उसी राहुल का सोमरा के पास गेंद तेज गति से अंदर आना चाहते हैं बाई छोड़ कर दिया राहुल कोया को अच्छा क्रॉस लेकिन कोई साथी खिलाड़ी नहीं बॉल पोजीशन अभी भी अयाज की क्या के पास करता हुआ लेकिन जर्सी के खिलाड़ी ने बॉल छीना दूसरे पास करना चाहते हैं गलत पास कर रहे थे अश्विन के पास गए ईशा परिवर्तन कर खेलना चाहे राहुल
उधर महिला बहुत ही लाजवाब मुकाबला राहुल भाई कहेंगे बहुत अच्छा होगा कोई गलती नहीं हुई कोई मौका नहीं देना चाहते जी से गजब का चकमा देते हुए रेमन की पारी छोड़कर प्लेस किया दाएं भागे रेमन पारी छोड़कर सुंदर प्लेस में था लाजवाब गोल रवि हटवाल का कोई मौका नहीं भूले के पास गोल बार पर छूती भी टाइम शो पर शानदार गोल फिर से एक बार बार जीव सिंह वाली भटवार की बारी जर्सी नंबर 17 कोई मौका नहीं पहले ही जगह दिखा दिया रेमन लकड़ा ने कोई तकलीफ नहीं हुई अंकित टोपो को आसानी से रेमन लकड़ा के दाहिने छोर पर प्रेस किया अच्छी समझदारी दिखाई यहाँ गोलकीपर बुदे ने कोई मौका नहीं बुदेव के पास बहुत ही लाजवाब चकमा देते हुए बुदेव की बाई छोड़ छोड़िए प्लीज कांटे का मुकाबला टाइम ब्रेकर में भी दोनों ही टीमों का जीएफसी गाड़ी बटवार और अयास विज्ञान बना पाए दोनों ही गोलकीपर अपनी टीम के लिए मौका था यहाँ पर लेकिन काफी तेज गति से हाथों के नीचे से निकल गई गेंद शानदार गोल दूर से स्टार्ट बहुत ही पुराने खिलाड़ी की मुझे याद आ गई कलकत्ता मोहन बगान की ओर से खेलते हुए शिशिर घोष ऐसे ही टाइम ब्रेकर की पेनल्टी किक मारते थे अच्छा मौका था फिर से एक बार रेमन के पास लगभग गेंद तक पहुंच चुके थे लगता है हाथों को छूती भी निकल गई और अब बारी है परिवर्तित गोलकीपर के रूप में टीम प्रबंधन ने भरोसा जताया है अनुभवी गोलकीपर उमेश गोप के ऊपर
आगे की खेल तैयार जर्सी नंबर 22 और चकमा देते हैं रोहित को उमेश की माइक छोड़ पर एक लाजवाब गोल राजू हंस रहा होंगे अगले किक के लिए जीएफसी की ओर से जर्सी नंबर 10 और सामने हमें गोलकीपर रेमन लगा कोई मौका नहीं पहले ही भाग की जगह दिखा चुके थे रेमन कोई तकलीफ नहीं भी प्लेस करने के लिए राजू को बिल्कुल कोई भी गोलकीपर के पास मौका नहीं दिया उन्होंने अभी तक रोहन सामने गोलकीपर बिल्कुल लाजवाब प्लेस यहां फिर से बाई छोर पर और हमारे मंच पर आशीर्वाद में हैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर स्वागत है सर आपका भी इस मंच में आपसे मंत्रणा करते हुए रोहन के साथ बल्कि पहले मंडल और किस करने वाले खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा दबाव नजर आता हुआ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है दर्शकों के धड़कने तेज जर्सी नंबर 7 उपेंद्र हरिकाम अगले किक के लिए तैयार जीएफसी के खिलाड़ी छोर पर ड्राइव करते हुए यहां बचा लिया ये टाई ब्रेकर का किक सब
लोग बोलना है इधर। आतिशबाजी कर रहे भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर और आप बर्दाश्त कर लें। अकेले आया स्पीकर के कप्तान रेमन लकड़ा के लिए और सामने है गोलकीपर रेमन लकड़ा।